तो वो मुल्क अगर जो है वो क्यू में लग गए, क्यू का मतलब है एक लाइन में लग गए इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए, और अब बेताब हो गए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। IMF गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसी नौबत तक ले गया है कि वो नंगा नाच नाचने पर मजबूर हो गए, कि इस वक्त इंडिया की 38 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, 38 कंपनीज, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 3-4 बिलियन डॉलर बनती है। तो मुसलमानी का जो कार्ड आप खेल रहे थे उसकी आप आज देख लें, मिस्र और भारत, मिस्र और सऊदी अरबिया और भारत एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत के दरमियान ताल्लुक को, तो वो कार्ड तो पिट गया। आप भारत के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं अगर खलूस से दिल के साथ चीजें शुरू करें। अब वो पता नहीं किसने करनी है किसने करानी है, ये अपनी मारा मारी के चक्कर में पड़े हैं, इनको ना पाकिस्तान की कोई समझ है, ना डिप्लोमेसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है, इसका अफसोस ही है। इजिप्ट का एक बहुत ही अहम विजिट हो रहा है इंडिया में। हमने देखा कि प्रेसिडेंट सीसी इंडिया का विजिट पर हैं और उसमें रिपब्लिक डे भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो कश्मीर का इशू है ये तो दोनों कंट्रीज का, इंडिया पाकिस्तान का मामला है, खुद ही हल करें। इस तरह की भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। जितना इम्पॉर्टेंट लगता है बाजायर उससे कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर इसको प्रॉपर जो है पर्सपेक्टिव में रख के देखा जाए, कि मिस्र का जो लीडर है वो जस्ट इंडिया को विजिट नहीं कर रहा है बल्कि रिपब्लिक डे पे एज ए गेस्ट वो वहां पे मौजूद। इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज्यादा जो है बड़ी बड़ी सीलिंग्स तोड़ के तो एक स्टेज पे पहुंच गए, वो तो ज्यादा मुसलमान है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से मतलब ये है कि वहाँ तो एक तो 99.9% से भी ज़्यादा मुसलमान उन मुल्कों में, सऊदी अरबिया हुआ या UAE हो गया या मिस्र जैसे मुल्क हो गए। सेकेंडली वो लीडिंग हैं इंटेलेक्चुअली भी और रिलीजियसली भी, हर एतबार से उनके पास एक रीडिंग लीडिंग रोल है जिसको पाकिस्तान ने बहुत अरसा सुपरसीड करने की कोशिश की जो वो नहीं कर सकते। तो मुसलमानी का जो कार्ड आप खेल रहे थे उसकी आप आज देख लें, मिस्र और सऊदी अरबिया और भारत एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत के दरमियान ताल्लुक को, तो वो कार्ड तो पिट गया। आपका मुल्क जो है इस वक्त डूब रहा है, आपकी जो यार्ड्स हैं क्या कहते हैं उनको, जो समुद्री डॉक्स हैं उन पे कई जहाज खड़े हैं जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच रहे। आपका जो लाइन ऑफ क्रेडिट LOC है बैंकों की, वो बैंक नहीं खोल रहे हैं जो कि खबर पाकिस्तानी मीडिया में ब्लैकआउट की जा रही है। तो आप 6,000 से ज्यादा कंटेनर जो हैं वो हैं। अब कहा जा रहा है कि उनके शायद वो विदाउट एनी पेमेंट उसको कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा। मैं ये श्रीलंका के साथ एग्जैक्टली यहीं से शुरू हुआ था, दिस इज वन ऑफ द टॉप जो है ना इंडिकेटर के मुल्क ट्रबल में है। आप जो है एक दूसरे के आप पे ऊपर आपने बंदूकें तानी हुई हैं, IMF के आगे आपने हाथ जोड़े हुए हैं और कशकोल चमका चमका के आप इधर उधर दौड़ भाग दौड़ कर रहे हैं, हालत यहाँ तक पहुंच गई है। तो आप अब क्या भारत के साथ कंपेयर करें और क्या रिपब्लिक डे की बात करें। तो वो मुल्क अगर जो है वो क्यू में लग गए, क्यू का मतलब है एक लाइन में लग गए इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए, और अब बेताब हो गए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, तो पाकिस्तान ये बहाना बना के तो बॉर्डर पे बंदूक तान के खड़ा है। तो वो जो है आके तो रिपब्लिक डे पे भारत की जो अचीवमेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि इस वक्त इंडिया की 38 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, 38 कंपनीज, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 3-4 बिलियन डॉलर बनती है। अब 3-4 बिलियन डॉलर कितना पैसा होता है जिस पे IMF गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसी नौबत तक ले गया कि वो नंगा नाच नाचने पे मजबूर हो गए, उसकी तान पे वो कोई भी जो तान है उस पे नाचने के लिए तैयार हैं। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने IMF की हर शर्त मान के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते। तो ये 3-4 बिलियन डॉलर की गेम है जो इंडियन कंपनीज ने ये समुंदर पार करके
तो अफ्रीका के उस सर पे जाके तो एक अरब स्पीकिंग टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसमें इन्वेस्ट की। उसके जवाब में आप अगर दूसरी तरफ देखें तो इजिप्ट के जो एक्सपोर्ट है उसमें वो थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर इस वक्त जो है वो इंडिया है। अब इंडिया इजिप्ट से क्या ले रहा है जो आप नहीं बेच सकते? इजिप्ट ऐसी कौन सी मशीनरीज या कोई हाई टेक्नोलॉजी कर रहा है? इसी तरह जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया का। आप कहते हैं कि हम वागा पे जाके तो अपने जवानों को घी मक्खन और पता नहीं क्या क्या खिला के तो उनकी टांगें मोटी करके ऊंची करते रहेंगे, इस कंपटीशन के अलावा हमारा कोई और मामला जो है वो इंडिया के साथ नहीं बन सकता। तो आप जब खुद ब खुद अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में डाल रहे हैं कि आप दुनिया भर में कशकोल लेके घूमें और आपकी पॉलिसियों में कोई तब्दीली ना आए और लोग आपको पैसे भी दें, तो ये नामुमकिन। आप भारत के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं अगर खलूस से दिल के साथ चीजें शुरू करें। अब वो पता नहीं किसने करनी है किसने करानी है, ये अपनी मारा मारी के चक्कर में पड़े हैं, इनको ना पाकिस्तान की कोई समझ है, ना डिप्लोमेसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है, इसका अफसोस ही है। कोई रिलीफ नजर नहीं आती, फ्यूचर नजर नहीं आता। वार में तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ पे न्यूक्लियर, लेकिन ये इस तरह की चीजों को मैं समझता हूँ सोचना इस जगह पे जाने नहीं चाहिए आपको। पाकिस्तान को रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए जिस तरीके से भी हो, रिगार्डलेस हाउ। इस वक्त भारत को तो जरूरत नहीं है लेकिन पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है आगे फ्यूचर में कि भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना इन सब के साथ रिलेशनशिप ठीक। और मैं हमेशा ये कहता हूँ आरजू कि आपने जंगें चार कर ली, अब तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा भी चार जंगें करके हमने कुछ हासिल नहीं किया। मैं तो शुरू से ही कहता हूँ भी चार जंगें कर ली है और प्यार मोहब्बत को भी एक चांस दो। बिल्कुल, मैंने तो आपके सेगमेंट में ही कहा था कि अगर वाजपेयी और मोदी साहब आ सकते हैं तो शहबाज शरीफ और बिलावल को जाने में क्या प्रॉब्लम है? आपकी जरूरत है इस वक्त जाए आपकी डायलॉग पिछले दफा करते रहे हैं उनके एनएसए और जनरल फैज, वहीं से जहां चीजें रुकी थी शुरू करें आप आगे। मेरे ख्याल में चाहिए, जरूरत है इसकी और इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकेंगे बिल्कुल इस रीजन को। और मैं समझता हूँ दूसरा मैं हमेशा ये आरजू कहता हूँ कि सिंस द इंडिया इज बिकमिंग ए रीजनल पावर, उनको रीजन के पीस का सोचना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं मोदी साहब से और अपना जयशंकर साहब से कि रीजन की पीस की सोचें कि ना सिर्फ पाकिस्तान और अपने रिलेशनशिप ठीक करें, अफगानिस्तान के ऊपर भी तवज्जो दें और ट्रेड इस पूरे रीजन को लेकर आगे चले। इसमें कोई शक नहीं, जो मेरा जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि इस पूरे रीजन को आगे आना चाहिए। साउथ एशिया हमने बहुत चीजें गलत फैसले किए माजी के अंदर, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट में अपने पर्सनल इंटरेस्ट में पॉलिटिकल गेम में पड़े रहे। सोचा जाए अगर तो पूरे रीजन की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए ताकि गुर्बत के खिलाफ जंग करें। अगर मैं ये कहूंगा ये हमारे बार बार ये लफ्ज जिहाद इस्तेमाल कर रहे तो जिहाद गुर्बत के खिलाफ करो, ये इंसानियत के खिलाफ ना करो, जिहाद लफ्ज का मजाक ना उड़ाओ, इस चीज का गलत बात। और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कहना किसी को कि हमारा रिलीजन इज मोर सुपीरियर और अपनी आइडियोलॉजी को इन्फोर्स करना दुनिया के ऊपर कोई ये जहानत या अकल की बात नहीं है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।